नमस्कार, मैं KM सैनी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। तो पूर्व के लेक्चर की कड़ी में आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है, जो बेसिकली ये बताता है कि किसी भी पार्ट पर अगर सिंगल लोड है तो उस लोड के इम्पैक्ट के रूप में उस पार्ट के डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस पे स्ट्रेन या डिफॉर्मेशन कितना होता है, उसकी कैलकुलेशन हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के द्वारा करते हैं। और इस प्रिंसिपल का यूज करके हम किसी पार्ट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पर डिफरेंट डिफरेंट लोड लग रहे हैं तो उनके कारण जो रिजल्टेंट स्ट्रेन आ रहा है या रिजल्टेंट डिफॉर्मेशन जो उस पार्ट में आ रहा है उनकी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है कि किसी पार्ट पर डिफरेंट डिफरेंट लोड्स के कारण आने वाला स्ट्रेन उसका परिणामी जो है वो मान लेते हैं कि एप्साइलन आर है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी उसके पार्ट पे जो इंडिविजुअल स्ट्रेन आ रहे हैं उन सबका एल्जेब्रिक सम होगा। तो हम यहां इस प्रिंसिपल को समझने के लिए इस फिगर की तरफ देखते हैं। इस फिगर में लोड F1, F2, F3, F4 और F5 लगे हुए हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में लगे हुए हैं और उनका डिफरेंट डिफरेंट नेचर है। जैसे कि यहां देख सकते हैं F3 और F4 की डायरेक्शन रिवर्स है, तो यहां हर तरह के फोर्सेस हैं और हर नेचर के फोर्सेस हैं। और इनको अपन ने डिवाइड किया है सेक्शंस में कि ए पॉइंट पे F1 लगा हुआ है, बी सेक्शन पे F2 लगा हुआ है, सी सेक्शन पे F3 है, डी सेक्शन पे F4 है और ई सेक्शन पे F5 फोर्स लगा हुआ है। और जो कॉन्जुगेटिव या जो प्रॉपर सेक्शन है उनकी जो लेंथ है वो L1, L2, L3 और L4 है। तो इस प्रिंसिपल को समझने के लिए हम यहाँ ये जो फोर्सेस हैं इनको कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दे देते हैं। तो F1 को 8 किलो न्यूटन, F2 को 4 किलो न्यूटन, F3 को 2 किलो न्यूटन, F4 को 2 किलो न्यूटन और F5 को 4 किलो न्यूटन की वैल्यू दी गई है। तो अब इस प्रिंसिपल को समझने के लिए सबसे पहले हम जो पार्ट है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है कि उसका जो इंडिविजुअल पार्ट है उस पे रिजल्टेंट लोड कितना है। जैसे हम इस सेक्शन की बात करें AB सेक्शन की, तो AB सेक्शन पे रिजल्टेंट लोड कितने होंगे वो हम यहाँ पे इस सेक्शन में देख सकते हैं। तो हम AB जो सेक्शन है उस पे जो लोड लग रहे हैं उनको यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं। ये अपना AB सेक्शन है, इसमें लेफ्ट साइड में F1 है जिसकी वैल्यू है 8 किलो न्यूटन। तो अब ये अपना सेक्शन 1 हो गया। तो अब ये जो अपना सेक्शन है AB इसको हमने 1 नंबर दिया है और इस पे जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा वो अपने कैलकुलेट कर रहे इक्विलिब्रियम कंडीशन से। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का इक्विलिब्रियम कंडीशन हम देखते हैं, तो AB पे लेफ्ट साइड में 8 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अगर ये सेक्शन इक्विलिब्रियम में होगा तो इस डायरेक्शन में भी आपके पास में 8 किलो न्यूटन का ही फोर्स होना चाहिए। तो वो अपने देखते हैं कि इस डायरेक्शन में कितने फोर्सेस है। F2 है, F3 है, F4 रिवर्स डायरेक्शन में तो इसको माइनस लेंगे और F5 है। तो इनकी वैल्यू अब अपने यहां पर रखेंगे तो
चार किलो न्यूटन प्लस टू किलो न्यूटन माइनस टू प्लस फोर, तो अपने पास में एट किलो न्यूटन जो कि लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। इसका मतलब अपना जो पार्ट ए बी है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो अब हम इसको लोड पी वन से डिनोट कर देते हैं जो पार्ट वन पे लग रहा है, तो इसको यहां एफ वन से रिप्लेस करके पी वन कर देते हैं। तो ये लोड हो गया पी वन, तो इसको अपने पी वन। इसी प्रकार अब दूसरे पे आके देखते हैं हमने पार्ट बीसी पे, तो बीसी के लेफ्ट साइड में कितने फोर्सेस हैं, 8 किलो न्यूटन और 4 किलो न्यूटन, 8 माइनस 4 4 किलो न्यूटन, तो पी टू इक्वल्स टू 4 किलो न्यूटन। यहां जो पार्ट बीसी है इस पे जो लोड लग रहा है इंडिविजुअल लोड उसको अपन ने पी टू से डिनोट कर दिया। इसी प्रकार अब हम पार्ट सीडी पे आते हैं, सीडी पे फोर्सेस क्या अपने पास एफ फोर और एफ फाइव माइनस टू प्लस फाइव 3 किलो न्यूटन, तो एफ पी थ्री 8 माइनस 4 माइनस 2 ये हो गया 2 किलो न्यूटन, ये हो गया अपना P3। तो पार्ट सीडी पे भी अपने पास लोड आ गए। इसी प्रकार अपने चौथा जो पार्ट है अपना उस पे लोड निकाल लेते हैं, और ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होंगी, तो राइट हैंड साइड में आपके पास में 4 किलो न्यूटन है तो 4 किलो न्यूटन P4, और इस साइड में अपने देखेंगे तो 8 माइनस 4 माइनस 2 प्लस 2 4 किलो न्यूटन, तो P4। तो यहां से हमने इंडिविजुअल जो पार्ट्स हैं उन पे लोड अपन ने निकाल लिए, वो अपने पास आए P1 P2 P3 और P4। इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू अपन ने निकाल ली है, यहां से P1 है 8 किलो न्यूटन और P2 है 4 किलो न्यूटन, P3 है 2 किलो न्यूटन और P4 है 4 किलो न्यूटन। ये सारे के सारे पॉजिटिव वैल्यू हैं, तो इसका मतलब सारे के सारे पार्ट पे इंडिविजुअली टेंसाइल फोर्सेस आ रहे हैं। तो अब हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग बात करें तो इसकी जो स्ट्रेन होगी, जो रिजल्टेंट स्ट्रेन होगी वो होगी ई आर इक्वल टू ई वन प्लस E2 प्लस हम हुक के नियम से जानते हैं कि स्ट्रेन इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और ये हुक के नियम से होती है स्ट्रेस अपॉन ये
ये हुक का नियम अपना कहता है स्ट्रेस इक्वल्स टू स्ट्रेन इनटू इलास्टिक कांस्टेंट। तो स्ट्रेन इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये चीज अपने यहां पे पुट करते हैं, ये अपने पास में फॉर्मूला है। तो डेल्टा इक्वल्स टू स्ट्रेस इनटू लेंथ अपॉन ई, जैसा कि हमने हुक्स लॉ में ये किया था। अब चूंकि ये इंडिविजुअल का डिफॉर्मेशन है तो स्ट्रेन को अपने डिफॉर्मेशन की फॉर्म में रख सकते हैं। तो डेल्टा रिजल्टेंट इक्वल्स टू डेल्टा वन अपॉन एल वन, ये अपने पास में इक्वेशन। यहां हमने डेल्टा को रिप्लेस किया इससे, इससे इस इक्वेशन में डेल्टा को रिप्लेस कर देंगे तो अपने पास में क्या होगा, डेल्टा रिजल्टेंट इक्वल्स टू पी वन एल वन अपॉन ई प्लस पी टू एल टू अपॉन ई प्लस पी थ्री एल थ्री ई प्लस पी फोर एल फोर और ई। यहां जो स्मॉल पी वन है ये इंडिविजुअल पार्ट में इंड्यूस्ड स्ट्रेस है, तो इसको अपने लोड से रिप्लेस कर सकते हैं। हमने पहले की क्लासों में पढ़ा था कि स्ट्रेस इक्वल टू लोड अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इस इक्वेशन में हम पूरी में स्ट्रेस को लोड से रिप्लेस करेंगे तो अपने पास इक्वेशन होगी डेल्टा इक्वल टू पी वन एल वन अपॉन ई प्लस पी टू एल टू अपॉन ए ई प्लस पी थ्री एल थ्री अपॉन ए ई प्लस पी फोर एल फोर ए ई। यहां हम देख रहे हैं कि इस पार्ट का क्रॉस सेक्शनल एरिया थ्रू आउट द सेम है, तो इसीलिए हमने ए पूरा लिया और एक ही मटेरियल का ये पार्ट बना हुआ है इसलिए हमने ई भी सेम मटेरियल का लिया है। इस चीज को अपने बाहर निकाल लें तो अपना फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा, डेल्टा इक्वल्स टू पी वन एल वन प्लस पी टू एल टू प्लस पी एन एल एन। ये अपना जनरलाइज फॉर्मूला बन गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का, कि जब आपका मटेरियल एक ही है और उसका क्रॉस सेक्शन एक ही है। अब अपने पास में डिफरेंट डिफरेंट स्पेशल कंडीशंस आती हैं। अब इस फॉर्मूले में अपने जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं वो अपने पुट करके डेल्टा निकाल सकते हैं, और डेल्टा निकालने के बाद में अपने पास में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उससे स्ट्रेस और अदर कॉन्स्टेंट्स जो है उस मटेरियल के वो अपने कैलकुलेट कर सकते हैं। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में डिफरेंट स्पेशल कंडीशंस भी आती है। तो पहली स्पेशल कंडीशन है कि ये जो लोड्स हैं ये डिफरेंट डिफरेंट हैं और ये जो क्रॉस सेक्शन है ये भी डिफरेंट डिफरेंट हो जाए तो क्या होगा। जैसे अपने ये चेंज हो जाए कि ये क्रॉस सेक्शन ये हो जाए और ये क्रॉस सेक्शन ये हो जाए, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एरिया ए वन ए टू ए थ्री और ए फोर हो जाएंगे। तो अपना जो जनरलाइज फॉर्मूला है वो
हो जाएगा वन अपॉन ई पी वन एल वन ए वन प्लस पी टू एल टू ए टू पी एन एल एन ए एन। ये अपना दूसरे केस में जनरलाइज फॉर्मूला हो जाएगा। अब हम इसी चीज में आगे बात करते हैं कि आपका क्रॉस सेक्शन भी डिफरेंट है, आपकी लेंथ भी डिफरेंट है और आपका मटेरियल भी डिफरेंट है, तो उस केस में क्या होगा कि आपके जो ई की वैल्यू है वो भी डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगी और आपका जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह का हो जाएगा पी वन एल वन ई वन ए वन प्लस पी टू एल टू ई टू ए टू पी एन एल एन ए एन ई एन। ये आपका थर्ड केस में हो जाएगा। तो इस केस में डिफरेंट लोड है, डिफरेंट लेंथ है, डिफरेंट मटेरियल है और डिफरेंट क्रॉस सेक्शन है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें ये प्रॉब्लम के लिए ये फॉर्मूला अपने को यूज करना हो। तो जो रिजल्टेंट डिफॉर्मेशन है वो इस फॉर्मूले से आएगा। अगर आपके लोड की नेचर कंप्रेसिव है किसी कंपोनेंट पे किसी पार्ट पे तो आपका ये जो साइन है यहाँ पे ये नेगेटिव आ जाएगा और वो रिजल्टेंट में से लेस हो जाएगा। तो इसलिए अपने कहते हैं कि जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है वो एल्जेब्रिक सम है, जो रिजल्टेंट स्ट्रेन है वो इंडिविजुअल स्ट्रेन का एल्जेब्रिक सम है। तो आज हम इतनी ही बात करेंगे और अगले लेक्चर में हम इसके ऊपर जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे कि जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस की न्यूमेरिकल्स हैं उनको कैसे सोल्व करेंगे। धन्यवाद।